हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग एक मैचिंग कपड़ा लिया हुआ है, जिसकी मदद से आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए दोस्तों, हमने अपने कपड़े को इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है, और डबल फोल्ड करने के बाद में लंबाई इसकी 11 इंच ली हुई है। तो पहले हम अपने इस कपड़े को इस तरीके से नीचे बिछाएंगे, और बिछाने के बाद में इसके ऊपर अपनी कुर्ती को बिछाएंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल एक बराबर कर लेना है, और एक बराबर करने के बाद में दोस्तों, यहाँ से आपको यहाँ तक बिल्कुल सेम कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है, और जैसे हमारी कुर्ती में यहाँ पर फिटिंग का कट लगा हुआ है, आपको भी यहाँ पर नीचे वाले कपड़े पे कट लगा लेना है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके की कटिंग कर ली है अपने मैचिंग कपड़े की। और दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट है www.rooffashionpoint.com, जहाँ पर आपको हमारे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ब्लाउज़ के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस, और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको करना ये है, ऊपर से 10 इंच पर एक निशान लगाना है, मतलब कि 10 इंच पर, और एक निशान इससे आगे थोड़ा सा, मतलब 10 इंच पे और लगाना है। और लगाने के बाद में इस निशान को लेते हुए आपको यहाँ तक एक शेप देनी है। देखिए यहाँ तक जो कट लगाया आपने, और शेप देने के बाद में सेम इसी तरीके से आपको यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमने अपनी कटिंग कर दी है, और इसके बाद देखिए हमारा जो ये पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ गया है। और अब इसके बाद दोस्तों, हम इस पैटर्न पे अपनी पेपर फ्यूजिंग को चिपका लेंगे। पेपर फ्यूजिंग चिपकाने के बाद में दोस्तों, हम अपने पैटर्न को इस तरीके से फिर से डबल करेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अपना एक बोर्ड नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने ऊपर की तरफ बोर्ड नेक में क्वार्टर इंच का मार्जिन भी छोड़ दिया है, क्योंकि जब हम इसे दूसरा के फोल्ड करेंगे तो ये उसमें चला जाएगा। तो देखिए, सीधा करने के बाद में इसका जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें यहाँ पर अपने कुछ मार्क लगाने हैं। तो पहला निशान हम अपने नेक के बिल्कुल 20 सेंटर में लगाएंगे, और इसके बाद जो दूसरा निशान लगाएंगे हम 2 इंच पर, फिर लगाएंगे 2 इंच पर, और फिर एक निशान लगाएंगे हम अपना 1.5 इंच पर। इधर भी सेम इसी तरीके से हम निशान लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपने पैटर्न को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे हल्के हल्के निशान जो है वो आ गए हैं। तो इन निशानों को हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, और इन निशानों के बीच में हम एक एक निशान और इस तरीके से लगा देंगे। ऊपर वाले निशानों के बीच में आपको निशान नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इन दो निशानों के बीच में निशान लगाने हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको अपनी जो कटिंग की है इससे नीचे की तरफ 1.5 इंच पर मार्क लगाना है। और ये निशान लगाने के बाद में इस निशान से नीचे की तरफ आपको 1.25 इंच पर मार्क लगाने हैं पूरी गोलाई में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना पहला निशान 1.5 इंच पर, और बाकी के निशान हमने 1.25 इंच पर लगा लिए हैं, और लगाने के बाद में एक गोलाई वाली शेप दे दी है। इसके बाद दोस्तों, आपको लेनी है डोरी। डोरी अगर चाहें तो आप बना भी सकते हैं, और नहीं तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। अब हम इन डोरियों को अपने निशानों पर, इन पर अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए दोस्तों, हमको क्या करना होगा, अपनी एक डोरी लेंगे और उसको इस तरीके से डबल करके, मतलब दो डोरी एक साथ बनाकर इस तरीके से अपने निशान पर रख के अटैच करनी होगी। और जो ये हम डोरी अटैच करेंगे दोस्तों, 1/4 इंच के मार्जिन से करेंगे। इसके बाद ऐसे ही हम अपनी दूसरी डोरी को लेंगे, और दूसरी डोरी को भी डबल करके अपने निशान पर अटैच कर देंगे। और इसी तरीके से दोस्तों, हम अपने सारे निशानों पर डबल डबल डोरी को अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी दो दो डोरियाँ अटैच की हैं, इसी तरीके से हम करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी सारी डोरियाँ अटैच कर ली हैं, और अटैच करने के बाद में अब हम अपनी डोरियों में एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये जो दो डोरी हैं और ये वाली दो डोरी हैं, इनमें से एक एक डोरी आपको इस तरीके से यहाँ पर ले लेनी होगी, और लेने के बाद में यहाँ पर आपको सिलाई से टाका मार देना होगा। तो ये हमने अपना टाका मार दिया है, और अब आपको इसके बाद क्या करना है, एक डोरी इसमें से और एक जो डोरी ये बच रही है इसको इस तरीके से आपस में मिलाना है, और मिलाने के बाद में फिर से इसी तरीके से टाका मार देना है। फिर से आपको इसी तरीके से करना है, जो ये एक बच रही है और ये दो हैं, इनमें से एक एक डोरी इस तरीके से पकड़ना है, और पकड़ने के बाद में इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ डिज़ाइन बनकर आ रहा है। इसी तरीके से हम अपनी पूरी डोरी गोलाई में एक दूसरे से अटैच कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको ये धागे जो देख रहे हैं इनको कटिंग कर देना है। धागा काटने के बाद में ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपके सामने आ गया है, और इसके बाद इसके नीचे की तरफ भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपनी पहली डोरी को पकड़ेंगे और फिर नीचे वाली जो डोरी है इसको पकड़ेंगे और मिलाकर यहाँ पर टाकी बांध देंगे। और जो टाकी जो हम बांध रहे हैं दोस्तों, अपने ये वाले निशान पर बांधेंगे, पूरी जितनी भी टाँकियाँ बांधेंगे। अब इसके बाद दोस्तों ये डोरी जो एक देख रहे हैं और एक ये देख रहे हैं, इनको आपस में इस तरीके से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में यहाँ पर भी हम टाँकी बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी दूसरी वाली लाइन पर भी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी बाकी के लाइनों पर भी कुछ इसी तरीके का डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर की ये दो डोरी और ये एक तीसरी वाली डोरी, ये तीन डोरी छोड़ देनी होंगी, और ये वाली डोरी और ये वाली डोरी आपस में मिलाकर इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देनी होगी, और बाकी के सारे निशानों पर हम इसी तरह से डिज़ाइन बिल्कुल बनाकर कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी पूरी डोरी का जो डिज़ाइन है कंप्लीट कर लिया है, और कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा डोरी आप देख रहे हैं इसको हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने पैटर्न को कुछ बिल्कुल इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और पूरे पैटर्न का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से आ गया है। और इसके बाद अब हम अपने पैटर्न को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो अटैच करने का एक सही तरीका हम आपको बताते हैं, चलिए काउंटर पर। तो दोस्तों, पैटर्न को अटैच करने के लिए हमने अपनी कुर्ती को कुछ इस प्रकार से बिछाया हुआ है, उल्टा भाग ऊपर की तरफ को। तो पैटर्न को अटैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने पैटर्न को इस तरीके से उल्टा करना होगा, और उल्टा करने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पर सही तरीके से मिला लेना होगा, और मिला लेने के बाद में आपको क्या करना है, 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने से पहले आपको यहाँ पर अपनी हल्की हल्की पिनअप कर लेनी है, जिससे कि आपका नेक इधर उधर हिले ना। सिलाई लगाने के बाद में इसके अंदर का मार्जिन थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर देना है। तो दोस्तों, कपड़ा अंदर का काटने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपने छोटे छोटे नोचिस भी लगा दिए हैं, जिसकी वजह से हमारा पैटर्न अच्छी तरीके से सीधी तरफ फोल्ड हो जाए। तो अब हम अपनी पिन को निकाल लेते हैं, और पिन को निकालने के बाद में हम अपने पैटर्न को इस तरीके से पलट देंगे, और पलटने के बाद में फिनिशिंग के साथ हम इस पर प्रेस लगा लेंगे, और प्रेस लगाने के बाद में फिर से हम इसे पिनअप करेंगे। और दोस्तों, पैटर्न पे फिनिशिंग के साथ प्रेस लगाने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपने पिनअप भी लगा दिए हैं, जिसकी वजह से हमारा पैटर्न इधर उधर हिलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से अपनी एक कच्ची सिलाई शुरू करेंगे और पूरे पैटर्न को अटैच करेंगे, साथ में लेस लगाएंगे। और यहाँ आकर हम अपनी मशीन को रोक देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से अपनी गोलाई में लेस लगानी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी लेस है, ये वाली। इस लेस को लगाने के लिए आपको अपनी मशीन का बूट भी चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर अपनी मशीन का बूट चेंज कर लेते हैं, साथ ही हम धागा भी बिल्कुल मैचिंग कलर का लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी मशीन में सिंगल बूट लगा लिया है और धागा भी चेंज कर लिया है। इसके बाद हम अपनी लेस को यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखेंगे, जो ये हमारा पैटर्न कच्चा है इसको कवर करते हुए इस तरीके से। तो हम ऐसे पूरी लेस को कंप्लीट करेंगे सिलाई लगाकर।
तो ये हमने अपनी लेस अटैच कर ली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपनी लेस के किनारे पर एक सिलाई और लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी लेस को पैटर्न पे कुछ इस तरीके से अटैच कर दिया है, और अटैच करने के बाद में हमारी लेस का लुक और पैटर्न का लुक जो है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। इसके बाद में दोस्तों हमारी डोरियों के जो पॉइंट बन रहे थे उन पॉइंट के ऊपर कुछ इस तरह के मोती लगा दिए हैं, जिनकी वजह से हमारे नेक की जो खूबसूरती है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब से आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आप हमारे सारे डिज़ाइंस एक साथ देख सकते हैं और कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।